भोले से छहकल कर कितनी चालाकी भरी है इस दिमाग में। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे पास एक प्लाजो पड़ा था और एक कुर्ता पड़ा था, और आज है जो भी डे होगा मैं लिख दूंगी। मस्त बारिश हो रही है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ अच्छी मजेदार बारिश हो रही है। आज कंटिन्यूस व्लॉगिंग का मतलब डेली व्लॉगिंग का फोर्थ डे है, मुझे इतना याद है आज मेरा फोर्थ व्लॉग है। अभी मैंने अपना योगा वाला जो रूटीन है वो शेयर किया है, एंड कल वाले व्लॉग में मतलब इसके पहले जो व्लॉग है उसमें योगा रूटीन शेयर किया है पीसीओएस वाला, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। आज मैं शूट करने वाली हूँ, आज मैं सूट्स पहनने वाली हूँ, तो अपने सारे सूट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में, एंड ऐसे कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। और आज मैं अपना रील का भी फर्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, मतलब जो इंस्टाग्राम का नया स्टार्ट हुआ है, इट्स लाइक अ भाई ऑफ टिकटॉक आप बोल सकते हो, बट उससे ज़्यादा बेटर है। सो आई होप कि उस पर रील्स में ना बहुत क्रिंजी चीज़ें ना आ जाए, अच्छी चीज़ें बना के डालो, थोड़ा क्यूट सा एंड एंटरटेनिंग सा। सो यस, यही है अभी मैं आज वो भी बना करके डालने का सोच रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। सबसे पहले आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ दही, क्योंकि बहुत सारा दही रखा हुआ है और मैंने काफ़ी टाइम से दही नहीं लगाया है, तो मैं सिर्फ एक घंटा लगा करके रखूँगी, मास्क लगाऊंगी, इन शॉर्ट अपने बालों की पैम्परिंग करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 टाइम से अपने बालों को स्ट्रेट किया था तो हीट लगाई थी बालों में, तो जब भी मैं वो लगाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मास्क लगा लूँ ताकि बाल ड्राई ना हो जाए। और ये पीछे हमारे घर का एक और मेम्बर आ रहा है, तो ये मैंने लिया है, क्या है इसके नीचे यार, हाँ तो ये मैंने लिया है कर्ड, और इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 स्कूप ऐड करूँगी त्रिचप का कैरेटिन क्रीम। जब ये ठंडा ठंडा मेरे सर पे लगेगा ना तो मज़ा आ जाएगा। आप चाहें तो दही नॉर्मल भी लगा सकते हैं, मैं इसको लगा करके आपसे मिलती हूँ, बिकॉज ये यहाँ पर पूरा नहीं तो मैं मेस क्रिएट कर दूंगी। तो मेरा जो ये है पूरा लग चुका है एंड ये ड्राइड अप भी हो चुका है, तो अब मैं शावर लेने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास सूट आए हुए हैं, 5 सूट आए थे, तो आज मैं आपको सारे सूट दिखाऊंगी और प्रॉपर उनको पहन करके दिखाऊंगी। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे कुछ सूट जो हैं वो थोड़े से टाइट हैं, ऑल्दो मैंने मेरे यहाँ पे मैंने बताया था नीचे एक भाभी रहती है, मैंने उनको बोला था थोड़ा ऑल्टर करने के लिए, तो शायद से ये वाला सूट मैंने पहन के नहीं देखा, बट अभी भी मुझे टाइट है, बट इसमें 3 सिलाइयाँ लगी हुई हैं तो मैं खुलवाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आदमी, ये सेल्फिश आदमी, मैंने इसको बोला सिर्फ बैठ करके सिलाई खोल दो, बाकी कुछ मत करो। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये सिर्फ खोल दो, इन्होंने बोला अपना पति धर्म निभाओ, ये पति का धर्म है कि उधेड़ता रहे चीजें हैं। नहीं, धर्म धर्म तो किसी का कुछ नहीं है भाई, हेल्प करना इज द धर्म, हेल्प करो ना। मैं आपको बस छोले और पूरी खिलाऊंगी। अरे प्लीज यार, क्यों देखो, ये देखो ये मासूम से चेहरे को दिखने वाले आदमी को क्या चाहिए, 5,000 क्यों एक सिलाई खोलने के। ये देखो, मैं 4 सूट खरीद लूंगी इतने में, पहले ये खोल के दो मुझे, ठीक है 5,000 दे दूंगी, दो पहले खोल के दो। गूगल पे से बहुत आसान हो गया ट्रांजैक्शंस, प्लीज डू इट राइट अवे, आई विल डू इट राइट अवे। ये इतना सेल्फिश है, इससे मुझे पता है पैसे दिए थे नायका के सामान के लिए, ये मुझसे वही रिटर्न मांग रहा है। ये बोल रही थी ना कि नाउ आई विल राइट ऑन स्टेटस थैंक्स हबी, नहीं लिखा है। अरे तो सामान तो 4 दिन हो गए नहीं लिखा है, अभी आने तो दो सामान, मेरा पूरा जो किट है मेन वो तो बची हुई है, डेली डेली नायका कितनी चालाकी भरी है दिमाग में, चालाकी चालाकी चालाकी, ये देखो खटखट खटखट आवाज आ रही है ना। ये ऐसी हस्ती है देख लो, कैसे हस्ती है, अब हंसे भी ना इंसान, हंसने से भी दिक्कत है मेरे। अर्चना पूरन सिंह के बाद यही है जो ऐसे हंसती है। पहले विक्की मेरे को बोलता था शादी से पहले, ये स्माइल इज सो प्रीटी, ये देखो ऐसे करके हंसती थी पहले। ओ गॉड, मेरे जो कॉलेज के माला मेरे वीडियोस देखती है, आपको से मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं तब से छोड़ो मैं बचपन से ऐसी हंस रही हूँ, जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं, मैं ऑफिसों में ऐसे नहीं मैं ऑफिस में तक ऐसे हंस लेती थी यार, और ये कभी ऐसे हंसी नहीं हुआ। Oh my God, such a liar he is। ये मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी झूठा एक नंबर का। ये देखो ये देखो ये 5,000 मांग रहा है, ये देखो
ये देखो, मैं आपको 5,000 नहीं दूंगी, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। नहीं 5,000 नहीं, मैं आपको सरप्राइज। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन मैं थैंक्स, क्या हबी बोल रही थी ना, थैंक्स माय डियर हबी, थैंक्स माय डियर बीवी, हर जगह लिख कर बीवी मतलब फेसबुक क्या करूंगा अगर 5,000 दे दूंगी तो। हाँ बस देखो ये थैंक्स हबी और थैंक्स वाइफ जो लिखते है ना लोग, उसके पीछे क्या षड्यंत्र चलता है। तो आफ्टर मोल भाव करने के बाद, भाव ताव करने के बाद विक्की जो है उसने अपना प्राइस 10% पे आ गया, 5,000 से नहीं, इससे कम में नहीं होता। विक्की ने अपना प्राइस 350 कर दिया है। मैं 500 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। मुस्कुराहट तो देखो इस आदमी की, वैसे कभी हंसता नहीं है। पैसा आ रहा है, पैसा, ये 500 रुपए, ये पेड। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। इसमें मैं अपना सारा मेकअप का सामान रख के हॉल में शूट करूंगी, क्योंकि मैं तो विक्की चालू हो चुका है धागा और ढेरने का काम। ओके सो लुक एट द हालत ऑफ माय बेडरूम, मेरे पूरे ब्लैंकेट्स भी, अभी मैं सो गई थी। 500 रुपए 5 मिनट में हो गया। ये व्हाइट वाला कुर्ता भी है, ए व्हाइट वाला कुर्ता भी है, व्हाइट वाला कुर्ता भी है। मुझे पता है कोई काम नहीं है, उनको बोलो कि बीवी का अर्जेंट काम है। कोई बीवी का अर्जेंट काम नहीं है। पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ दोनों तरफ से आपने सिलाई खोली है? आई सीरियसली डाउट कि उसने ढक, मेरे बाल तो देखो कैसे हो रहे हैं बिल्कुल एकदम। अरे प्लीज यार, तो मेरे 300 वापस करो। हैं 500 और दो, उसको कराना है तो 500 हो गया। तो मैं भी क्या करने वाली हूँ, मेरे पास ना एक बहुत सुंदर सा पटियाला डार्क मरून टाइप का सूट आया है, प्लेन है, और बहुत मुझे ये कलर वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो मुझे ब्लैक बहुत अट्रैक्ट करता है, पर ब्लैक कैसा ना, पूजा वूजा में नहीं पहन सकते हो सूट को, सूट जनरली मैं पूजा और इन्हीं सब चीजों में पहनती हूँ, और ये जो मरून है ये बहुत सुंदर। इसको देखते से ना मेरे मन में सिर्फ वही चीज आया था कि इसको मैं न्यूली वेड्स जो नहीं होती लड़कियां मस्त चूड़ा उड़ा पहन के, क्योंकि वो पटियाला है एकदम प्रॉपर फुल घेर वाला जो पटियाला होता है ना, वो बना करके भेजा इन लोगों ने मेरे को। तो काफ़ी दिनों से मैंने मेकअप वीडियोस नहीं करे हैं, तो ऑब्वियसली मैं जनरली 2-3 मंथ में एक बार कर लेती हूँ, तो अभी राखी भी आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ एक मेकअप वीडियो कर लेती हूँ और इस सूट में, तो मस्त हो जाएगा। और उसके बाद बस मंगलसूत्र मंगलसूत्र पहन करके मेकअप वीडियोस कर लेती हूँ, एंड देन फिर बाकी के सूट्स मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे दिखा दूंगी। बहुत मतलब एक्चुअली ना मैंने इनको प्रॉपरली साइजेस नहीं दिए, तो भी उन्होंने मेरे को काफ़ी एप्ट सूट बना करके दिया। अगर मैं साइजेस देती तो इमेजिन कि कितना सुंदर होता। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी रीपोस्ट किया था। एक और मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने, जैसा मैंने आपको वो ब्लैक सूट दिखाया था ना स्ट्रिप वाला, मैं इमेज डाल दूँगी यहाँ पर, तो वैसे ही उन्होंने मंगवाया, उनके बोले बहुत सुंदर लग रहा था। सो यस, एंड सबसे पहले मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ पर लेंसेज, मैंने नए लेंसेज मंगवाए हैं। लेंसेज का जो ब्रांड है वो है ओलेंस, मैंने ओलेंस के बारे में बहुत सुन करके रखा था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि इनके लेंसेज कंपैरेटिवली थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। तो बट मैंने ना, मुझे ऐसे लेंसेज चाहिए होते हैं जो आँखों को सुंदर बनाए, ना कि डरावना बनाए, और फेस के ऊपर सूट होने चाहिए। मतलब वो ग्रीन ब्लू तो मेरे को नहीं पसंद आते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। सो दिस इज़ द लेंस, बहुत ही डार्क ब्राउन कलर के, मतलब एक्चुअली में बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा भी नहीं, मेरी आँखों में बहुत पानी आ रहा है इसलिए दिख रहा है, बहुत पास दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना, बट बहुत डार्क नहीं है, इट्स प्रिटी गुड। अब मैं फटाक से सामान सारा रखती हूँ अपने पास। ओके, सो ये बैकग्राउंड आप जो देख रहे हो, मैंने ये डिसाइड किया है, ऐसे सेट कर रही, मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ, ये
ये नहीं आना चाहिए। ओके व्हाट इफ अगर मैं ये लाइट चालू करूँगा तो यस परफेक्ट रहता है, सामने मत आना। और ये चालू कर दो एक बार प्लीज़, यहाँ वाली भी। नहीं बंद कर दो, कुछ अलग शेड आ रहा है। Hey guys, so I'm done with the shooting and this is the look which I have created. ये आपको देखने को मिलेगा कल के वीडियो में, या फिर पहले ये वीडियो डाल दूंगी मैं, पहले ये मेकअप लुक डाल दूंगी, अदरवाइज अभी आप देख लोगे तो फिर कल आप नहीं देखोगे। So this is my suit, ये एकदम पटियाला स्टाइल में है, मैं खड़े होकर के आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सूट, एकदम मस्त लग रहा है, मुझे एकदम ऐसे पंजाबी वाली फीलिंग आ रही है। फिटिंग में आया हुआ है, इसका बैक भी मैं आपको बताती हूँ, इसका बैक वगैरह भी सब एकदम मस्त है और ये मुझे एकदम ऐसे पंजाबी वाइब दे रहा है, मस्त न्यूली मैरिड वाला। क्या बिकॉज मैंने बोला था इसको देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत हल्का सा एक यहाँ पे लेस लगाया हुआ है एंड देन यहाँ पर लेस है, दैट्स इट। तो मुझे ऐसे सूट्स पसंद आते हैं, मतलब प्रिटी सिंपल एंड ऑल। फर्स्ट रील बना रही हूँ इंस्टाग्राम का और ये मेरा ट्राईपॉड है, ये मेरा ट्राईपॉड है और विक्की के पास आप रिएक्शन देखते जाना, मैंने जानबूझ के कैमरा ऑन किया ताकि ये ढंग से वैसे वो बनवा ले नीचे से। ये है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सूट। जब मुझे इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था हमारा वालों ने, तो मैंने उनको ये इमेज भेजा था सूट का कि मुझे इस तरह का सूट बहुत पसंद है एंड उन्होंने ये मुझे बना करके दिया है। इट इज़ लुकिंग सुपर डुपर प्रीटी एंड क्लासी, मतलब ये फेस्ट। एक सेकेंड यार, मैं अपना ना ट्राईपॉड एडजस्ट कर रही हूँ, सॉरी मैं थोड़ा हिल डुल ज़्यादा रही हूँ। ये है नेक्स्ट सूट, ये आई एम रियली लविंग द सूट, मतलब ये अनारकली है एंड यहाँ तक, यहाँ से इसकी कलम स्टार्ट होती है, थोड़ा सा ये मुझे टाइट है यहाँ से तो वो मैं एडजस्ट करा लूँगी। इसी को अभी मैंने विक्की से लूज़ करवाया था बट स्टिल ये हल्का सा अभी भी टाइट है, जिसको शायद कोई टेलर ही एडजस्ट कर पाएगा। डिज़ाइन जो कि बहुत सुंदर लग रही है एंड आई रियली लाइक द सूट, मतलब आपको अगर राखी कलेक्शन के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू बाय ना, सो यू कैन डेफिनेटली चेक देयर पेज, इंस्टाग्राम पेज है इनका। और ये एक्चुअली कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप है, मेरे को भी काफ़ी सारे जिनका जो इनिशियल जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो रन कर रहे हैं इंडियन ब्रांड्स, उन लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। एज अ गिफ्ट वो मुझे देते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप हमको वीडियो बना के दो या आप हमको ये करके दो। मैं अपने मन से ही, बिकॉज आई रियली लव द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, तो मैं खुश होकर के, दिल खुश होकर के फिर मैं अपना जो रिव्यू है वो देती हूँ। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं यार, इतने अच्छे, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ऐसे सूट्स नहीं होते जितनी अच्छी क्वालिटी इनके सूट की है, तो क्यों ना मैं प्रमोट करूं। सो ये है मेरा नेक्स्ट सूट। तो अभी आपने कौन कौन से देख लिया, रेड वाला देख लिया, ब्लैक वाला हो गया और वो जो ब्लैक कुर्ता था उस दिन वो देख लिया था। अब मैं एक और कुर्ती पहन करके आती हूँ, वो मैं जीन्स के ऊपर पहनूंगी क्योंकि वो जीन्स के ऊपर टाइप की मुझे थोड़ी सी वैसे टाइप का कुर्ती लगी है। नेक्स्ट कुर्ती है वो है ये, और ये भी बहुत प्रिटी सी समर्स के लिए है, मैंने इसको अभी ब्लैक प्लाजो पे पहना हुआ है। दिस इज द कुर्ती, बहुत ही प्रिटी सी कुर्ती है, पीछे से बैग भी इसका काफी, बैग भी काफी अच्छा है। ये मतलब ऐसे घर में पहनने के लिए, अगर आप बाहर पहनने में कंफर्टेबल हैं तो आप बाहर भी पहन सकते हैं। नाउ सी दिस, ये मैंने जीन्स के ऊपर कैरी किया है एंड आई थिंक ये ज्यादा बेटर लग रही है जीन्स पे, है ना। एंड इफ यू वॉन्ट टू वेयर इट एट होम तो आप घर पे नॉर्मल प्लाजो या जो भी आपको पहनना हो वो पहन सकते हैं उसमें। सो अब लास्ट वाला जो सूट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैं पहन के दूसरा आऊँगी क्योंकि वो ना एक्चुअली बहुत टाइट है मुझे, तो वो अंदर घुस भी नहीं रहा है मुझे, उसके लिए भी मुझे प्रॉपर टेलर या मास्टर जी को ऐसे लगेंगे जिनको प्रॉपर नॉलेज हो इस चीज़ का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो जो वाइट सूट है ये मैंने अलग पहना हुआ है, ये दुपट्टा इस सूट का है जो मुझे दिया था उन्होंने एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी एक्चुअली। इसमें ना दो तीन अगर सिलाई होती ना तो मैं कैसे भी करके उसको लूज करके फंसा तो लेती अंदर, मतलब अंदर घुस जाती मैं इसके, बट ये मेरे को गर्दन से नीचे नहीं पहुंच रहा है। तो एक सेकेंड पास से दिखाती हूँ कि इसमें कितना प्यारा ऐसे कुर्ता, बहुत ये देख रहा है कुछ चिकन चिकन चिकन
वैसा टाइप का कुर्ता है ये, अनारकली है। श्योर की पहनने के बाद बहुत रॉयल लगेगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे पास एक प्लाजो पड़ा था और एक कुर्ता पड़ा था, उसके ऊपर ही दुपट्टा पहन लिया है ताकि एक आइडिया हो जाए आप लोगों को कि हाँ ये इस तरह का सूट है। वाइट सूट बहुत रॉयल लगते हैं और ये थोड़ा लूज है, इसको मैं लूज ही रहने दूंगी बिकॉज देर आर सम सूट्स जो लूज काफी अच्छे लगते हैं, तो ये उस तरह का सूट है जो मुझे लूज ही काफी स्मार्ट लगता है। अभी मैंने बाल खुला हुआ है ना तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो पोनीटेल लूज बांध लो बढ़िया, बहुत स्मार्ट लगता है ये। तो ये है मेरा लास्ट सूट एंड आई एब्सोल्युटली लव द दुपट्टा, एब्सोल्युटली लव द दुपट्टा। सो थैंक यू अमारा हम, आप लोगों के सूट्स मुझे बहुत पसंद आए। अगर आपको लेना है तो लिंक चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी इंस्टाग्राम पेज का वो दे दूंगी। तो वो अब मैं आपको अपने घर का मेस दिखाती हूँ। वेट, ये सब करने के पीछे ना मेस, एक मेस तो ये बैठा हुआ है ये ना मेस। अभी बेडरूम दिखाती हूँ, सी दिस, मेरे बेड की क्या हालत है। सो ये मुझे कुछ कुछ होता है वाली वाइट दे रहा है। हाँ, वो जब जाती है ना ऐसे दुपट्टा फेंक करके, तब ये बहुत चले थे ऐसे वाइट लूज कुर्ता। तो मैं चेंज करती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मैं वापस से अपने अवतार में आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइज, तो ये वाला जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं देन मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, बिकॉज ये अमेजिंग सूट्स की जो पिक्चर्स हैं मैं वहाँ पर अपलोड करूँगी। सो मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स इसमें क्लिक करवाए हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो आपको सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा है। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।